हे एवरीवन, वेलकम बैक इन सुपर यूनम। तो आज की इस वीडियो में एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न से लेकर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक की काफी सारी अपडेट्स आई हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न से रिलेटेड। तो एंड्रयू गारफील्ड ने एक स्क्वायर मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बोला है, वो अपने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर मीटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट चाहिए होगी। हम सभी जानते हैं कि वो स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट कौन सी होने वाली है। वो होने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जहां एमसीयू के एंड्रयू गारफील्ड ने दो मूवीज के लिए डील साइन कर ली है ऑलरेडी। तो जिसमें से एक होने वाली है सीक्रेट वॉर्स, वो हम सभी जानते हैं, बट एक मूवी स्पाइडरमैन 4 भी हो सकती है, जिसका मेन विलन हमें नल भी देखने को मिल सकता है। हमें स्पाइडरमैन 4 में भी तीनों स्पाइडरमैन देख सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन जहां तक है तो उसका मेन विलन नल होने वाला है। अब यहां पे नल की बात हुई है तो हम वेनम द लास्ट डांस की बात कर लेते हैं। तो वेनम द लास्ट डांस जो वेनम की लास्ट मूवी होने वाली है सोनी यूनिवर्स के अंदर, इसके बाद वेनम जो है तो एमसीयू के अंदर आ जाएगा। उसमें जो है हमें नल का कैरेक्टर कैमियो जो है तो एक 5 से 6 मिनट का दिखाया जाएगा। सिर्फ इन्हीं 5 से 6 मिनट में जो है तो नल को जो है तो पूरे मल्टीवर्स के विलन, या फिर कहूँ कि स्पाइडरमैन के विलन के रूप में पूरी तरह से सेट कर दिया जाएगा। अगर रूमर्स की माने तो नल और वेनम जो है तो वेनम द लास्ट डांस मूवी के एंड में स्पाइडरमैन 4 यानी एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, और हमें आगे की स्टोरी स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलेगी। अब जब है स्पाइडरमैन 4 की बात हो ही रही है, तो स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 का टाइटल जो लीक बताया जा रहा था, किंग इन ब्लैक, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो सभी को मालूम है कि नल की कितनी फेमस कॉमिक्स से ये टाइटल लिया गया है, बट ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो एक और न्यूज आई है, जिसे सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको डर लगने लगेगा कहीं स्पाइडरमैन 4 पूरी खिचड़ी बनके न रह जाए। हम सभी जानते हैं कि सोनी इसे मल्टीवर्सल लेवल पर रखना चाहता है, ताकि वो अपने यूनिवर्स को लाके एमसीयू के अंदर सेट कर पाए, और मार्वल जो है तो इसे फैंस के डिमांड पर ग्राउंडेड रखना चाहता है। तो दोनों ही अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं, इसलिए स्पाइडरमैन 4 को ग्राउंडेड से स्टार्ट करके मल्टीवर्सल लेवल तक ले जाया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि हाँ, स्पाइडरमैन 4 की स्टार्टिंग में हमें डेयर डेविल, किंग पिंग जैसे कैरेक्टर्स के साथ स्पाइडरमैन टीम अप करते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं स्पाइडरमैन 4 की एंडिंग आते आते वेनम और नल जैसे कैरेक्टर्स हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकते हैं। जितने ज्यादा रूमर्स स्पाइडरमैन 4 के लिए हैं, उतने ज्यादा रूमर्स अब हल्क की सोलो मूवीज के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर 14 फरवरी को देखने को मिलने वाली है। उसके काफी ज्यादा मेजर रिशूट्स हुए हैं, यहां तक कि उसकी मेन फाइट तक के रिशूट्स हुए हैं, और अगर रूमर्स की माने तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के भी रिशूट्स हुए हैं, जहां उसके टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया था। हालांकि अभी मूवी पूरी बनी नहीं है, बट कुछ टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया था, जहां से लीक्स निकल कर आए हैं कि हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, इस मूवी के एंडिंग में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का पूरा एक सोलो मूवी सेटअप किया जाएगा, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में ही देखने को मिलेगा, जहां कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हल्क की सोलो मूवी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सेटअप किया जाएगा, जिसमें हमें रेड हल्क, एबोमिनेशन, स्कार, सी हल्क के अलावा एक नया हल्क एमेडस शो भी देखने को मिलेगा। एमेडस शो भी एक हल्क फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप इसकी ओरिजिन वीडियो चाहते तो कमेंट करके बताना, लेकिन अभी मैं बता दूं, अगर जिन्हें नहीं मालूम है, तो जो हमें जो है तो कैप्टन अमेरिका एज ऑफ अल्ट्रॉन में हेलेन शो देखने को मिली थी, एमेडस शो उसका बेटा होने वाला है। तो कॉमिक्स में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था कि हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऑलरेडी रेड हल्क देखने को मिलने वाला था, इसके साथ ही लीडर का कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला है। तो मे बी अभी इसी मूवी में हमें बाकी हल्क कैरेक्टर्स का भी अपीयरेंस मिल जाए। क्या आप हल्क की सोलो मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि तुम कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ।